कि अगर आप यूएस पहली बार आओ तो क्या चीजें लानी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए. और वो क्या होता है जो हेयर स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर -15 -20 में भी सर्वाइव कर लेगा. ये जैकेट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा. यू वॉन्टेड टू आस्क अगेन कि अगर आपके पास कुछ है तो अभी बता दो, अदरवाइज आपको फाइन लगेगा. तो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल. मेरा नाम है ऋतु. एंड यूएस अगर आप आना चाहते हो ना, तो एक कंफ्यूजन बड़ी तगड़ी होती है. बैग होते हैं 2 से 3, लेकिन सामान होता है इतना सारा, तो समझ नहीं आता कि कितना सब कुछ उस बैग में फिट कर लो और क्या छोड़ के आओ. तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप यूएस पहली बार आओ तो क्या चीज़ें लानी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. सो आई एम होपिंग ये जो इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग है आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा. लेट्स रन. ज्ञान बांटने के लिए मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ प्रशांत भी है. हाय. और प्रशांत हैज बीन हियर फॉर 5 इयर्स एंड आई बीन हियर फॉर 2.5 इयर्स. तो हम अपने एक्सपीरियंसेस बताने वाले हैं. एंड मैंने तो बड़ा रैंडम कर लिया था, प्रशांत ने बोला थोड़ा कैटेगरी बना के बताते हैं ज़्यादा सही रहेगा. सो या हाँ, तो अपना डिस्क्लेमर मगर ये है कि मे बी मतलब हम लोगों को उतने अच्छे से नहीं पता हो. इट इज़ बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव लिस्ट ऑब्वियसली. तो टेक इट लाइक दैट. ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमने कैटेगरी में डाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स. मन करता है ना कि मतलब अपना फ़ोन नया ले लो, वहाँ अगर जॉब लगी है तो एक फ़ोन लेके आए, या फिर यू नो अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो एक फ़ोन या नया लैपटॉप ले लो. वो सब बिल्कुल मत लेना. यहाँ पे लैपटॉप और फ़ोन बहुत सस्ते मिलते हैं. ये वाला फ़ोन अगर 40,000 का यहाँ होगा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50-55 का होगा. तो मतलब यू गोना सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अगर आप फ़ोन यहाँ से लेते हो. सेम गोज फॉर लैपटॉप, राइट. लैपटॉप भी मतलब बेसिकली लैपटॉप नया लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं तो अपना पुराना लैपटॉप लेके ही आया था यहाँ पे. बट अगर आप नया लैपटॉप लेना है तो यहीं आके ले लो, रहते थे इंडिया से ले लो. इंडिया के कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते हैं, 30%-20% ऑफ पे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. और फोन्स भी अगेन इंडिया के मुकाबले काफी सस्ते हैं. तो अगर आप नया फोन लेना कंसीडर करो तो यहीं आके लेना. और अगर आपके पास वो वाले फोन है ना, जैसे ओप्पो हो गया या रेडमी हो गया या फिर और भी वो जो एमआई हो गया, वो बेसिकली चाइनीज फोन है अगर आपके पास, तो यहाँ पे चलेंगे नहीं. नहीं चलेंगे का मतलब ये कि यहाँ पे उनका नेट नहीं चलेगा. मैं एक्चुअली 1+2 लेके आया था अपने टाइम पे, तब यहाँ पे 1+ भी नहीं चलता था. और मेरे को 3 महीने मेरे फोन में बस 2G वाईफाई और 2G चलता था. 3 महीने बाद फिर मैं गिव अप होके मैंने नया फोन लिया. अगर आप हेयर ड्रायर और ये सब सोच रहे हो ना, जैसे ये देखो, ये मैंने हेयर ड्रायर यहाँ से लिया है, अगर आप इंडिया वाला यूज करना चाहो तो वो नहीं यूज हो सकता है. यहाँ पे यहाँ का जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है. यहाँ का क्या है, 200, यहाँ 120 है क्या? यहाँ 110 है. 110 है, इंडिया में 220 वोल्ट का होता है. तो फिर जैसे कोई भी हैवी सामान हो जाता है, जैसे ड्रायर हो गया या मिक्सी हो गई, मिक्सी ऑब्वियसली कोई लाता नहीं है, बट इन जनरल मिक्सी लोग ले आते हैं, लोग लपेटने में नंबर वन है भाई, सामान जितना. तो यहाँ चलेगी नहीं वो. तो मतलब कोई भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो यहाँ नहीं चलेगा. ड्रायर और वो क्या होता है जो हेयर स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर. तो मैं तो लेके आई अपने हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर, लगाया 2 दिन में फूक गया, फिर वो वेस्ट हो गया. तो मतलब अगर आपके पास है तो उसे वहीं रखो, वहाँ जाके दोबारा जब इंडिया जाओगे तो यूज़ कर लेना, यहाँ मत लाना नहीं तो ख़राब हो जाएगा. इनफैक्ट यहाँ पे जो सॉकेट्स होते हैं ना वो भी दूसरे होते हैं. तो जैसे इंडिया में भी नहीं होते 3 पिन वाले या फिर 2 पिन वाले भी, वो गोल गोल वाले होते हैं, यहाँ के सॉकेट्स ऐसे होते हैं. सो दीज आर द US सॉकेट्स. तो इसको अगर आपको यूज़ करना है तो कन्वर्टर चलता है. तो कन्वर्टर होता है इसमें, जैसे मान लो ये याद है, ये इंडिया वाला है अपना, ये US वाला है अपना. तो ये वाला हम इसके अंदर डालते हैं एंड इंडिया जाके ये डालेंगे तब करेगा. एंड अदर वे राउंड ऑल्सो, मतलब इसमें US वाला सॉकेट भी होता है. तो कन्वर्टर ले लेना. ये कितने का आता है इंडिया? ये इंडिया में मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है. आई डोंट नो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता. हाँ. कुछ 100 रुपए का, 100-200 रुपए का, या मे बी थोड़ा महंगा सस्ता आता होगा, बट ले आना 2-3 क्योंकि चाहिए होगा. ये मतलब यूनिवर्सल कन्वर्टर है. दुनिया में आप कहीं भी जाओगे ये किस कोई भी सॉकेट होगा, इसमें सारे तरह के, इसमें US जापान लिखा हुआ है, थाई लिखा हुआ है, यूरोप लिखा हुआ है, US UK लिखा हुआ है, सब कुछ है. तो मतलब एक कन्वर्टर में आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करोगे तो ये ज़रूरी है. एक चीज़ जो लोगों को बड़ी पसंद होती है वो है कपड़े खरीदना. तो जब लोग US आते हैं तो सोचते हैं कि यार मतलब नई जगह जा रहे हैं, कुछ कपड़े खरीद लें. विंटर क्लोदिंग US से ही लेना, इंडिया से बिल्कुल मत लेना. क्या होता है ना कि यहाँ की जो विंटर क्लोदिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दियों के लिए परफेक्ट होती है. जैसे कि ये, दिस इज़ माई टॉमी का जैकेट, ये दिस इज़ द बिग जैकेट आई हैव. यहाँ पे ना, यहाँ पे एक जैकेट होता है सबके पास जो बहुत हैवी होता है. तो ये वाला ऐसे 15 -15 -20 में भी सर्वाइव कर लेगा. ये जैकेट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है. अगर आप यहाँ आओ तो यहीं से खरीदना. पैसे भी ऊपर नीचे होते हैं. सो दिस इज़ फॉर $75 to $100, आई डोंट रिमेम्बर. अगर आपको सस्ता खरीदना है तो जैसे मैंने ये खरीदा है कॉस्को से,
$35 to $40, तो मतलब हर एक प्राइस रेंज के मिल जाएंगे, लेकिन विंटर वेयर्स यहीं से खरीदना, नहीं तो ना वहाँ से खरीद लोगे, ट्रैवल में उठाओगे भी उसको यहाँ पे, और ठंड भी नहीं रुकेगी, जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठंड भी नहीं रुकेगी, जगह भी तो लेते हैं यार, मतलब आसान थोड़ी है सामान लाना, मतलब मन करता है उठा के लाओ, लेकिन ये तो बिल्कुल मिस करना मत लाना। ओके, तो जूतों का क्या सीन है ना कि मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे सैंडल्स आपको खरीदनी है तो आप ये इंडिया से ला सकते हो, बट अगर आपको स्पोर्ट्स शूज खरीदने हैं जैसे कि ये यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, फॉर एग्जांपल नाइकी, एडिडास, प्यूमा, जितने भी ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे सस्ते मिलेंगे, और ट्रैवल के पैसे बचाओ, यहाँ से खरीदना, वहाँ से बिल्कुल मत खरीदना। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि अच्छे भी मिलते हैं, बट लेना मत। तो जो चीज लेनी चाहिए वो है आई थिंक फॉर्मल्स। हाँ, एक्चुअली जो स्पेशली जो कोट टाइप सामान होता है ना वो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि काफी एक्सपेंसिव मिलता है, काफी मतलब काफी एक्सपेंसिव। तो आई थिंक इवन इफ आप जॉब के लिए आ रहे हो या पढ़ने के लिए आ रहे हो, यू माइट नीड एटलीस्ट एक फॉर्मल वेयर, तो वो इंडिया से खरीद लेना, वहाँ पे सस्ते में बन जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। हाँ, अगर आप सोचो कपड़ा लेके सिलवाओगे तो मतलब बिल्कुल ही दिस इज लाइक ओ माय गॉड, वो तो बोल ही नहीं सकता, यू नो रेगुलर जाके खरीद के आओगे तो शायद फिटिंग का इशू होगा, तो अगर आप चाहते हो इंडिया से लेके आना। एक चीज जो बिल्कुल मिस मत करना लाना वो है यू नो अपने देसी कपड़े। क्या होता है ना कि यहाँ पे होली दिवाली लोग बहुत ज्यादा इंडियन ड्रेस पहना पसंद करते हैं, तो मतलब फ्रॉम ज्वेलरी या फिर इंडियन साड़ी, जैसे मैंने मेरे पास ये सब साड़ियाँ हैं, ये सब मैं इंडिया से लाई हूँ, अगर मैं यहाँ पे खरीदूंगी ना तो ये बहुत महंगी मिलेंगी एंड शायद मेरी पसंद की भी नहीं मिलेंगी। तो आप इंडियन वेयर कुर्ता या फिर साड़ी या फिर कुछ भी आपको खरीदना है तो आप इंडिया से खरीदना, यहाँ मत खरीदना। इस पूरी अकेची में मेरे दो कुर्ते हैं और मैं... फिर उसके और बचे हुए ऋतु की साड़ियाँ हैं। प्लीज आई लव सारीज, आई लव इंडियन वेयर, मतलब मेरे को बहुत पसंद है, तो मतलब जब भी कोई मौका होता है ना मैं छोड़ती नहीं हूँ, मतलब मेरा तो पक्का मन करे तो मैं इंडियन वेयर ही पहनूँ। सो या अगर आपको पहनने का मन है तो आप जरूर लाना। यहाँ जब आप आओगे ना सबसे ज्यादा अपने घर वालों को मिस करोगे और फिर खाने को मिस करोगे, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आई गेस क्या नहीं लाना है उसमें ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है खड़े मसाले और कच्ची कोई भी कच्ची चीज लाइक दाल चावल कच्ची सब्जियां दालचीनी कुछ भी मसाले अगर आपको लाने हैं तो आप MDH वाले पैक्ड मसाले ला सकते हो, और सब्जियां वगैरह और दाल वगैरह ये सब तो बिल्कुल ही अवॉइड करना, क्योंकि कस्टम्स पे अगर आपको पकड़े गए तो वो आपका सामान ले लेंगे, वो सब अलाउड नहीं होता लाना। अगर चेकिंग नहीं होती तो आप आ जाओगे, अगर चेकिंग होगी तो फिर आपका सामान ले लेंगे, बेस्ट केस वर्स्ट केस आपको फाइन लग जाएगा। हाँ, अभी जब हम आए थे ना लास्ट टाइम याद है अपन लोगों को पकड़ लिया था उसने, तो उसने बोला कि बताओ आपके पास क्या क्या है, एंड ही वांटेड टू आस्क अगेन कि अगर आपके पास कुछ है तो अभी बता दो अदरवाइज आपको फाइन लगेगा। तो हमारे पास कुछ था नहीं थैंकफुली, बट जैसे कि कड़ी पत्ता ये सब चीजें भी आपको फंसवा सकती हैं और बहुत लंबा फटका पड़ेगा, तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप फंस गए तो प्रॉब्लम होगी, अवॉइड करना। बट अगर आप इवन भूल भी गए कोई मसाला क्योंकि इतने सारे होते हैं तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे इंडियन स्टोर्स में मसाले वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, दाल वाल जहाँ से आप दाल खरीदोगे वहाँ पे मसाले भी बहुत आराम से मिल जाएंगे। पटेल का व्लॉग मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जाके देखना, वहाँ सब कुछ सामान मिलता है। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगता है टू सेटल डाउन, बट यहाँ पे सब कुछ मिलता है, थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है बट फाइन से सस्ता मिलता है। ठीक है, जो एक्चुअली मैं रिकमेंड करता हूँ लेना वो एक्चुअली जो ये घर पे बना हुआ सामान होता है ना जैसे लड्डू मटकरी टाइप का सामान, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, और हम गुजिया लाए थे। हाँ, इस टाइप की चीजें जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं आप स्टोर करके रख सकते हो, खा सकते हो, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफी सही रहता है, आई वुड रिकमेंड वो ले आना। हाँ। और ये सब अलाउड भी होता है लाना क्योंकि प्रोसेस गया तो फिर कस्टम से अलाउड भी है लाना। ठीक है, और क्या लाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू भांडे बर्तन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब सारे बर्तन ले चलो, ऐसा मत करना बहुत भारी हो जाएगा, और क्या बोलते हैं उसको प्रशांत, जब ट्रैवल में इसे एक्स्ट्रा बैग जो आई थिंक वो भी तो कितना महंगा होता है वो एक्चुअली। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बर्तन महंगे हैं तो ट्रैवल एक्स्ट्रा लगेज का खर्चा और ज्यादा महंगा है, तो मतलब अगर कुछ लाओ तो वो डिशवॉशर सेफ होना चाहिए, माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, इंडक्शन सेफ होना चाहिए, ये बेसिक है। अगर आप कुछ ऐसा ले आओगे जो इनमें चलेगा नहीं तो फिर फायदा क्या है लाने का। बर्तन क्या लाने हैं वो है बेलन, दिस इज स्ट्रेनर, ये ले आना अगर आप चाय पीते हो तो। हाँ, इसे ढूंढने वाली छन्नी बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब ये सब चीजें इंडियन स्टोर्स पे में भी मिल जाएंगी। हाँ। बट फिर भी ये वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और ये छोटी सी चीजें तो आप रख सकते हो। इडली मेकर ये ले आना अगर आप इडली खाना पसंद करते हो तो, कटोरिया यहाँ पे कम मिलती है, यहाँ पे सैलड बोल्स मिलते हैं तो ये ले आना, कढ़ाई अगर आपको चाहिए और आप यूज करते हो तो ये ले आना, प्रेशर कुकर मिलता है
यहाँ पे आपको 35 से 40 डॉलर का मिलता है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, इफ यू वांट टू सेव थोड़ा बहुत तो ले आना, बट इससे ज्यादा मत लाना। और आई गेस तवा भी ले आना, जो हाँ वो डोसा तवा होता है, डोसा तवा ले आना जिसमें हम लोग रोटियां पकाते हैं, वो थोड़ा वो यहाँ पे थोड़ा बेकर नहीं मिलता है, इंडिया वाला थोड़ा बेकर होता है। मैं तो इंडिया वाला यूज कर रही हूँ, मेरा डोसा क्रिस्प चल रहा है, तो ले लेना। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है इंश्योरेंस, मतलब यूएस आना या फिर आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाओगे ना, तो ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप भूल गए तो फिर फटका लंबा है। हाँ, फटका लंबा है। अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस तो करा ही लेना चाहिए। हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात आती है, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि आपको करा के आना है। अगर आप एज अ काम करने के लिए आ रहे हो, एज एन एम्प्लॉई आ रहे हो, तो आपकी कंपनी आपका हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे कराती है। बट अगर आप एज अ विजिटर आ रहे हो, अपने फैमिली से मिलने आ रहे हो 2-3 महीने के लिए, तो फिर वो 2-3 महीने के पीरियड का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया तो आपका सारा पैसा वहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, जब प्रशांत के पेरेंट्स आते हैं ना, हम हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि उससे इजी हो जाता है, सपोजिंगली कुछ हो गया तो फिर यू नो थिंग्स विल बी इन कंट्रोल। ऑलरेडी मतलब अगर कुछ ऐसे कुछ हो जाता है तो ऑलरेडी उस चीज की टेंशन लगी रहती है, ऊपर से आपके पैसे की भी टेंशन लगी रहे, तो दैट इज बैड, दैट इज बैड, दैट इज बैड। एक और चीज जो आपको लानी चाहिए वो है ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब जैसे मान लो विक्स हो गया, आयोडेक्स हो गया, वो सब यहाँ नहीं मिलता, मिलता है बट वो दूसरे नाम से मिलता है, नाम से मिलता है। प्लस ऑल्सो बुखार की दवाई, सरदर्द की दवाई, जुकाम की दवाई, नॉर्मल चीजों की दवाइयाँ होती है, तो फिर ये सब ले आनी चाहिए। यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव होती है, प्लस आप यहाँ पे किसी दूसरे नाम से मिलती है, आप तो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ। उसमें आपको टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि इंडिया से लेके रखो ये सब चीजें। करेक्ट। और एक और लास्ट चीज जो कि ऋतु को तो नहीं पता होगी बट मेरे मैंने नोटिस की है। हाँ। वो है चश्मे। हाँ। तो अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो मेरे पास भी है। तो अगर आप चश्मे अगर आप लगाते हो तो फिर हैव 3-4 पेयर्स है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जितना चार मतलब चार चश्मे जितने के आएंगे ना, वहाँ पे शायद यहाँ पे शायद उतना का एक आएगा। और मतलब काफी ज्यादा चीजें बहुत अंशन पैसे का चश्मे देते हैं ये लोग। अगर प्रशांत का चश्मा टूट गया ना, प्रशांत 1-2 में गायब। बट हाँ, तो फिर इसलिए मतलब मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चश्मे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का टूट गया तो कितना का आएगा? 80-100 डॉलर्स लगभग, कम से कम $200, और पता नहीं कितने का भी आ सकता है। अगर आप अच्छा वाला लेंस पहनते हो, लाइट पहनते हो, तो 150 से $200 का आता है। तो इंडिया जाके एक पे एक फ्री कम से कम 3 जोड़ी लेके आना, लेंस कार्ड से ले लो यार, व्हाटएवर। बट हाँ, इंडिया में काफी सस्ते मिलते हैं। अगर कोई यूएस पहली बार आ रहा है या फिर वो स्टूडेंट है या फिर वो यू नो जॉब करते हुए आ रहा है, एकदम तो बैंक अकाउंट खुलता नहीं है, ठीक है, तो फिर वो अपने जो पैसे वो कैसे मैनेज करेगा? आई गेस थोड़ा सा पैसा कैश में रखो, बाकी नहीं रहे, बाकी का क्या करना है? तो आई वुड से कि एक फॉरेक्स कार्ड करके होता है, तो उसमें आप इंडिया से INR डाल के USD में खर्चा कर सकते हो, उसमें पैसा आ जाता है। और यहाँ पे कार्ड हर जगह चलता है, तो फिर वो एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है यूज करने के लिए। तो आई यूजुअली से कि थोड़ा सा पैसा कैश में रखो इमरजेंसी यूज के लिए, बट अदरवाइज ज्यादा से ज्यादातर पैसा उस कार्ड से यूज कर लो। अगर किसी ने मगमग कर लिया ना, तो फिर हो लिया कार्ड रख लेना। हाँ, सही में इतना सारा कैश आप हाथ में रख के कहाँ कैश करोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो या तो आई एम होपिंग कि आपका अच्छा लगा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि अगर वो यूएस पहली बार आ रहे हैं तो मतलब क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, तो मैंने सोचा बता दूं। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके का कॉन्टेंट हम और बनाएं, मैं और प्रशांत कुछ और इन्फॉर्मेशन दें, तो प्लीज़ हमें बताना। अगर कुछ हमने मिस कर दिया है तो भी कॉमेंट करके बताना। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप आ रहे हो तो ऑल द बेस्ट कि आप घर से निकल गए हो एंड आप यूएस आने वाले हो, बट एक हफ्ते का सामान ज़रूर लाना। अगर आप मैगी स्टॉक कर सकते हो, रेडी टू ईट स्टॉक कर सकते हो, तो ले आना। पता नहीं है कि इंडियन स्टोर कितना दूर होगा, और गाड़ी नहीं है तो ऊबर मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा होगा। हम दोनों ने बड़े प्यार से और बड़े मन से बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, एंड बहुत सारा प्यार बना के रखो। बाय बाय।